कितने हैं भैया सब लगे हैं, देखिए जबरदस्त ये दिखे प्लास्टिक वाली पन्नी। आग हमने जला दिया है, सब बहुत तेज कोहरा है यार, बहुत तेज कोहरा, कल से ज्यादा कोहरा आज है। ये देखो लड़के, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, हम रोज सुबह जाते थे बाइक लेकर चाय पीने के लिए, लेकिन आज हम पैदल जा रहे हैं। जिस तरह से ठंडी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आपने देखा होगा कि कल वाले वीडियो में धूप काफ़ी अच्छा खिला हुआ था, लेकिन सुबह के टाइम ठंडी इतनी ख़तरनाक की बढ़ी है कि पैदल चलने में हाथ हाथ एकदम से मतलब गलन हो रही है हाथ में। इसीलिए हमने सोचा कि आज बाइक को यहीं पर खड़ी कर दे, उसके बाद में आज हम पैदल चलते हैं चाय पीने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर रूपी 47 में। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद में बाइक कैमरे से दिखाते हैं कि मौसम किस तरह से मौसम दिख रहा है। काफ़ी ख़तरनाक यार, सुबह सुबह का आलम किस तरह से दिख रहा है। रास्ते में बहुत से भाई लोग मिल जाते, मुझे बुला लेते हैं कि यहाँ पर रुको, वहाँ पर रुको, लेकिन भाई अब हम जहाँ जाते हैं वहीं पर पियेंगे चाय, ना दूसरी जगह नहीं पियेंगे। तो मज़ा आता है वहीं पे, अंडा चाय चना जलेबी सब मिल जाता है, आराम से खाकर पीकर उसके बाद में चले आते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस जगह का हम वीडियो पहली बार अपने मोबाइल में कैप कर रहे हैं। सब लोग अभी ठंडी में सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है, बस नमाजी लोग ही उठते हैं सुबह के टाइम, या तो फिर मॉर्निंग वॉक वाले उठ जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पर, बस सामने वाला दुकान दिख रहा है, वहां पर रुकेंगे, वहीं पर चाय पियेंगे। अब पैदल चलने में भैया इतनी ठिठुरन हो रही हाथ में, तब बाइक लेकर आते तब क्या हाल होता। क्योंकि कल मैं जब गया था पेट्रोल भरवाने के लिए, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ आज की ठंडी है ज़बरदस्त, लेकिन 11 बजे तक की धूप हो गई थी। आज भी धूप हो जाएगा, भले ही कोहरा दिख रहा है, लेकिन ठिठुरन जो है बहुत ख़तरनाक है एकदम से। भैया सुबह के टाइम उठो मॉर्निंग वॉक के लिए, फिर उसके बाद में समझ में आएगा कि हाँ मतलब ठंडी क्या चीज़ होती है, ठिठुरन क्या चीज़ होती है। जो लोग रजाई में रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि भैया वो तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं, और हम लोगों का क्या, हम लोग तो भाई सुबह सुबह एकदम उठ जाते हैं, 5 बजे उठे हैं तब से बस ऐसे हैं, चलते हैं आग जलाते हैं, उसके बाद में तापते हैं, हाथ सेकते हैं। ये सब देख सकते हैं पंछी परिंदे चिड़ी चिरन सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कबूतर हैं, क्योंकि ये गल्ला मंडी है ना, यहाँ पर गल्ला वजन किया जाता है, खरीदते हैं। ये देखिए कबूतर कितने हैं भैया सब लगे हैं, ये देखिए जबरदस्त सीन ये दिखे, देखने में मज़ा आ रहा है ये सीन, ये क्या बात है, बढ़िया सीन आ गया है सुबह सुबह एकदम से। देखा था, बस पहुंच गए मंजिल पर अपने हम। तो कल हमने 3 ब्लॉग शूट किया था, एक मैच का शूट किया था और एक राइड वाला, जो घर से मतलब निकले थे हम शिशवा के लिए वो वाला। तो मैच वाला वीडियो चल रहा है एडिट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा है, 50 मिनट का है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, करीब 5-6 मिनट तक मैंने एडिट कर लिया था रात ही में, और बाकी का आग जलाएंगे तापेंगे, उसके बाद में वीडियो को एडिट करते रहेंगे हम। तो यहाँ पर हम आए हैं अपना कुछ लेने के लिए, तो यहाँ से हम कुछ उठा लें, उसके बाद में तब चल के जलाएँ हम। ये प्लास्टिक वाली पन्नी ये वाला ले जाएंगे तो इसे आराम से जल जाएगा। ये भैया मत समझे कि गंदगी उठा रहे हैं हम, लग रहा है धूप जल्दी हो जाएगी भाई। आग हमने जला दिया है, बहुत मुश्किल से आग जली है यार, एकदम हाथ हाथ एकदम से पूरा एकदम वो हो गया मेरा। अरे बाप रे बाप, कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी हम गए थे फ्यूल करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फ्यूल था नहीं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा है, और कहीं पर हमने फ्यूल करवाया ही नहीं। लेकिन अगर आज नहीं मिलेगा मुझे पेट्रोल तो हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और हम फिर चल नहीं पाएंगे। और जब तक आग के किनारे भाई बैठे रहो तब तक तो सुकून है, लेकिन जैसे छोड़ो कसम से 2 दिन से एकदम हालत खस्ता हो जाती है यार। बस ज़्यादा नहीं, हाथ में जो मतलब ठंडक लगती है ना, वो समझ लीजिए अकड़न वाली ठंडक होती है, लेकिन अब क्या करें, बड़ा सुरक्ष तो भाई लगाते नहीं है, और लगाते भी हैं तो बस कहीं राइड वाइड पर निकलते हैं तब लगाते हैं। बाकी आप मौसम देख सकते हैं किस तरह से है, और हमारे गांव में भी मतलब टूर्नामेंट होने वाला है, उसका भी हम लाइव हो सकता है कि आप लोगों को हम दिखाएं। तो आज भाई साहब बहुत तेज कोहरा है यार, बहुत तेज कोहरा, कल से ज्यादा कोहरा आज है।
अरे ऐसे कहीं लड़वा जाए यार किसी गाड़ी से भैया वीडियो शूट के चक्कर में। कल देखा था, कल भी गिर पड़ा था वीडियो शूट करने के चक्कर में। बताओ आगे से गाड़ी आ रही लेकिन दिख नहीं रहा कि हाँ मतलब गाड़ी आ रही है। अगर लाइट ना चले तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मतलब गाड़ियाँ चल रही है। भाई ये हाल है देखिए। तो बस पहुँच गए हैं भाई हम फ्यूल स्टेशन पर, तो पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पता नहीं है कि नहीं है, बता नहीं पाएंगे यार। देखो खड़ी तो है गाड़ी, हाँ है तो शायद मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा यार। क्या यार भैया कन्हैया आए हैं तो चलवे नहीं रहा यार। तेल लेस पहले पैसा हाथ में निकाल लिया करो यार, टाइम ना लगा करो ठंडी मौसम में मर्दे। देखो खड़िया है यहाँ, ठंड लागत है। 1000 पहुँची तो रोक दी हो बस, इतना जानित है ठीक है। 1000 भाई टंकी नहीं भरा यार आज। 1000 में भाई साहब हमारा टंकी आज नहीं भरा यार। और उस दिन 1000 रुपये का फ्यूल करवाया था, टंकी भर गया था क्योंकि और भी तेल उसमें थे। तो समझ लीजिए कि हमारा 17 दिन चला है और आज जो हम करवाए हैं 1000 में, आपने देखा कितना इसमें पेट्रोल है। अब ये वाला हम देखते हैं कितना दिन चलेगा और इसका हम फोटो ले लेते हैं कितने किलोमीटर पर चले हैं और कितना किलोमीटर पर ख़त्म होता है, क्योंकि ज़रूरी है मुझे इससे ये पता हो जाएगा कि हमारी बाइक कितने का एवरेज दे रही है। ये लग रहा है कि जैसे आज पूरा दिन ऐसे ही रहेगा और धूप नहीं देखने को मिलेगा। अरे तो दिखाते ना है यार, लागत है कि मतलब बढ़ते जाते कोहरा भाई, कौन मेयर के हो जाते एकदम मिश्रा। ये लो भैया पता, यही थोड़ी दूर पे इतना जबरदस्त कोहरा है और जूड़ी भैया के पास हम जब पहुंचे हैं तो मौसम एकदम से साफ है, देख सकते हैं किस तरह का है। बताइए थोड़ी ये इसको देखो, ये मरते आ रहा है भैया। बताओ इससे जब मरते हैं तब कहते हैं कि वाह हमारा लड़का मर गया भैया, एक्सीडेंट से गिर गया। जब गाड़ी इस तरह से चलाएंगे तो होगा क्या। तो मौसम देख सकते हैं बस धूप निकलने वाली है, लेकिन उधर भाई बहुत तेज का कोहरा है, बहुत जोरदार कोहरा है। लग रहा है भाई कि घर पहुंचते पहुंचते ही धूप का आनंद मिल जाएगा बढ़िया से, क्योंकि इधर एकदम से पूरा खुल चुका है। लोग काफी खुश हुए थे कि चलिए धूप निकलने वाला है, इस तरह से फिर से कोहरा छाया कि बता नहीं सकते हम, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। तो चलकर दिखाते हैं और उसके बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से हम वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि भाई काफी टाइम हो चुका है। समीर 2 घंटा से हम मोबाइल लगाए, मोबाइल हमारे चार्ज करके तुरंत चार्जर भर दिया होकर ठीक है, आधे चार्ज भरा है हमारे मोबाइल, बाकी वैसे पड़ा है। तो देख सकते भाई साहब कि मौसम ने किस तरह से धोखा दे दिया है यार। जो धूप निकलने वाली थी वो धूप एकदम से गायब हो चुकी। बाकी यहाँ पर सब तैयारियाँ चल रही है टूर्नामेंट की, देखिए ये अब्दुल कय्यूम है। आओ आओ सिसवा मुलाकात करी थे, आओ सिसवा मुलाकात करते हैं, आइए आप लोग। हाँ चलो, पता नहीं फाइनल है कि सेमीफाइनल है क्या है नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिसवा में टूर्नामेंट है। लेकिन काफ़ी ठंडी बढ़ चुकी भाई, काफ़ी ठंडी बढ़ चुकी है यार। अगर तो हुलिया कोर में बनाई है फिर ठंडी नहीं बर्दाश्त है, बाकी सब बर्दाश्त है। हमने मौसम गड़बड़ है क्योंकि हो सकता है कल मुझे नौगढ़ जाना पड़े। आज इमरान भाई का दुकान खुला है और चलते हैं भैया करवा लेते हैं, कल आए थे वापस चले गए। कहा यार इमरान भाई कन्हैया कहे बंद किए हो यार। अरे इतना बढ़िया घाम रहा काल, तो दुकानदारी बढ़िया से हो तो तू गायब हो गए मरदे सामी नहीं के, और यहाँ वापस आए क्योंकि बाद में चला गया। चलो हमारा बनाई दो जल्दी से, यग महिंद्रा सुपर हो गया बनवाना है। किस तरह से मैं दिख रहा हूँ पर देख सकते हैं कि टूर्नामेंट हो रहा है और हमारे गाँव वालों से है, लेकिन अभी इस इवनिंग में है कि सेकंड इवनिंग में है हम बता नहीं पाएंगे। तो मैच तो हम अभी जब तक रुकते हैं तब तक दिखाते हैं आप लोगों को अपनी वीडियो में, अगर चले जाएंगे यहाँ से तो फिर भाई कोई बात ही नहीं है। ये देखिए ना ही कम देखकर बढ़िया है, देखकर बढ़िया नहीं बहू मंसूरी Yeah!
गांव थारू जनजात का है और यहां पर देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं आपस में। भाग जी, ये तो कुछ छितराई है यार, वहां हुई है छित्र बित्र हुई है। बोलो बोलो, भगवान कसम अगर मोबाइल के अंदर तो हम लोगों के फोटो आएगा तो कम से कम 3 लाख लोग व्यूज देने चाहिए। ये का जान लो तो लोग लवंडी और लवंडा सबसे कहा थे कही थे नहीं बुझे हैं फिल बना बे। ये देखो लड़के, ये देखो, ये देखो, ये 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 गांव के छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं हम लोगों के साथ में, मतलब इतना घुल मिल गया भाई। हम लोगों की यहाँ पर वीडियो शूट हो रही थी तो यहाँ पर गांव के बच्चे, मतलब या कहीं भी जाते हैं तो गांव के जितने बच्चे होते हैं सब लोग चले आते हैं हम लोगों के पास। तो हमने सोचा कि चलो उधर वीडियो शूट रही तो इन लोगों की इधर से हम लेकर इधर चले जाएं तो आराम से वीडियो शूट हो जाएगी। तो बच्चे लोग मतलब काफ़ी शरारती हैं और इन लोगों के साथ में हमने 2-3 रील भी बनाया है, हमने बनाया स्वयं ने बनाया है और बाकी और लोग हैं तो वो आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिलेगी। बाकी बच्चे अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, मन के अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय।